मैं हूँ योशु मायापुरी। न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज ईद के खास मौके पर कई सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने अपने रिस्पेक्टिव सोशल मीडिया हैंडल्स पर वार्म ग्रीटिंग्स एक्सटेंड की अपने फैंस को इस ऑस्पिशियस ओकेजन पर। बॉलीवुड स्टार्स जैसे कि अक्षय कुमार, हेमा मालिनी, अजय देवगन, गौहर खान, करण जौहर और भी कई सारे सेलिब्रिटीज ने ट्विटर पर अपने फैंस और फॉलोअर्स को ग्रीट किया। माधुरी दीक्षित ने लिखा, ईद मुबारक टू एवरीवन सेलिब्रेटिंग, मे दिस ऑस्पिशियस ओकेजन ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी टू यू। हेमा मालिनी ने लिखा, टू ऑल माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स टूगेदर लेट अस मेक आर भारत ट्रूली महान। करण जौहर ने लिखा, ईद मुबारक टू ऑल, लव लाइट एंड हैप्पीनेस ऑलवेज। अजय देवगन ने लिखा, ईद मुबारक टू एवरीवन, मे दिस ईद ब्रिंग यू पीस लव एंड प्रॉस्पेरिटी। अक्षय कुमार ने लिखा, सबको ईद मुबारक, ये दिन हम सभी की जिंदगी में खुशियां लाए, हैशटैग ईद मुबारक। बॉलीवुड स्टार्स आलिया भट्ट और रणवीर सिंह एक बार फिर दिल्ली पहुंच चुके हैं करण जौहर की अपकमिंग फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी की शूटिंग करने के लिए। ओवर द वीकेंड ऑन लेट संडे दोनों को स्पॉट किया गया शूट करते हुए, जहां बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट शूट कर रही थी एक टर्टल नेक में, और इस टर्टल नेक में देखकर फैंस काफ़ी ज़्यादा हैरान रह गए, क्योंकि दिल्ली की जो गर्मी है वो काफ़ी ज़्यादा हो रही है। और इस दिल्ली की गर्मी में आलिया ने शूट किया एक अराइवल सीन एक टर्टल नेक में, जहां उनको दिल्ली एयरपोर्ट में अराइवल गेट पर स्पॉट किया गया इस फिल्म की शूटिंग करते हुए। शूटिंग के समय जो तापमान था दिल्ली का वो 44 सेल्सियस था। वेटरन बॉलीवुड एक्टर मिथुन चक्रवर्ती की लेटेस्ट पिक्चर्स जो इंटरनेट पर शोकेस कर रही हैं, जिसमें हम देख सकते हैं कि वो बैटल कर रहे हैं इल हेल्थ से। वेल एक्टर रिसेंटली बैंगलोर के हॉस्पिटल में थे और उनको कई सारे कंप्लेंट्स थे अपने हेल्थ को लेकर, जैसे कि स्टमक एक, फीवर और भी कई सारे सिम्टम्स। अब मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बताया जा रहा है कि सीनियर एक्टर को कुछ हेल्थ इश्यूज हैं किडनी स्टोन के चलते, जिसके बाद उनके पिक्चर्स सोशल मीडिया पर आउट होने लगे। वेल अब बता दे कि मिथुन दा जो हैं रिकवर कर रहे हैं और रिकवरी मोड में है। रिसेंटली हमने मिथुन दा को द कश्मीर फाइल्स में देखा था, जिसने कई सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक किए। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज अपने वर्क कमिटमेंट्स के चलते काफ़ी ज़्यादा बिजी रहते हैं, लेकिन इन वर्क कमिटमेंट्स के बीच में भी वो वर्कआउट करना नहीं भूलते हैं। पेपराजी ने हाल ही में बॉलीवुड एक्ट्रेस जानवी कपूर को स्पॉट किया वर्कआउट करते हुए। वेल उनको यहाँ पर देखा गया फुल वाइट अटायर में। उन्होंने अपने जिम का जो अटायर ऑप्ट किया था वो ऑल वाइट था। ऑल वाइट अटायर के साथ जानवी कपूर ने रेड और वाइट कलर के स्नीकर्स पहने। वहीं दूसरी तरफ बॉलीवुड स्टार्स जैसे कि अदिति राव हैदरी, मृणाल ठाकुर और नेहा शर्मा को भी अपने जिम सेशन के बाद सिटी में स्पॉट किया गया कैजुअल जिम आउटफिट्स में। बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह करंटली प्रमोट करते हुए नजर आ रहे हैं अपनी अपकमिंग फिल्म जयश भाई जोरदार वेरियस प्लेटफॉर्म्स में। मंडे के दिन एक्टर ने विजिट किया रियलिटी शो सेट, और वहीं बता दिए कि इस शो के जजेस हैं रेमो डिसूजा, मोनी रॉय, सोनाली बेंद्रे। रणवीर सिंह ने कुछ वीडियोस भी पोस्ट किए अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर जजेस के साथ। उन्होंने एक वीडियो शेयर की मोनी रॉय के साथ और कैप्शन किया, द रियल रीजन फॉर ग्लोबल वार्मिंग @ मोनी रॉय। वहीं मोनी रॉय को हम एब्सोल्युटली स्टनिंग ब्लैक और सिल्वर लहंगे में देख सकते हैं, और रणवीर को उनके फंकी अटायर में देख सकते हैं जो उनका ट्रेडमार्क है। वीडियो में रणवीर सिंह ये कहते हुए नजर आ रहे हैं, मोनी जी देश में हीट वेव चल रही है, कुछ तो रहम करो। उन्होंने ये साफ साफ कह दिया है कि मोनी रॉय की वजह से देश में ग्लोबल वार्मिंग चल रही है। बॉलीवुड एक्ट्रेस तारा सुतारिया की रिसेंटली रिलीज्ड फिल्म हीरोपंती 2 को मिल रहे हैं मिक्स्ड रिव्यूज ऑडियंस द्वारा। एक्ट्रेस प्रमोट कर रही हैं इस एक्शन फिल्म को वेरियस प्लेटफॉर्म्स पर। एक रिसेंट इंटरव्यू में उन्होंने अपने हॉलीवुड प्लान्स के बारे में भी बात की। वेल इस कॉन्वर्सेशन में तारा ने एक्सप्रेस किया कि उनका ये एम है कि वो हॉलीवुड में भी काम करे और रिप्रेजेंट करे इंडियंस को। साथ में उन्होंने ये भी शेयर किया कि इंडियंस जो हॉलीवुड में रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंडिया को, वो अभी भी काफ़ी कम है और उनको इसमें एक एड ऑन होना है। उन्होंने फर्दर ये भी ऐड किया कि वो
फिलहाल तो करेंटली सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड में ही फोकस कर रही हैं। बॉलीवुड एक्टर्स अनुपम खेर और अनिल कपूर दोनों ने साथ में बैठकर देखा फिल्म RRR। वेल चैट करते हुए दोनों ने ये फिल्म शुरू की और बता दे कि काफ़ी टाइम हो गया था कि दोनों ने साथ में एक मूवी नहीं देखी थी। अनिल ने ये भी कहा कि ये जो अनुपम खेर के साथ मूवी देखना था उनके लिए एक डेट से कम नहीं था। और वहीं अनुपम खेर ने एक वीडियो शेयर की उनकी कॉन्वर्सेशन की इंस्टाग्राम पर मंडे के दिन और इसे कैप्शन किया, वेंट टू द थिएटर आफ्टर मैनी मैनी ईयर्स विद माई डियरेस्ट फ्रेंड अनिल कपूर टू वॉच SS राजामौलीज RRR। This hilarious conversation is before the film. Have fun and enjoy. दो बॉलीवुड फिल्म्स इस बार फ्राइडे को रिलीज हुई थी, अजय देवगन स्टारर रनवे 34 और टाइगर श्रॉफ की हीरोपंती 2। और दोनों ही फिल्में जो हैं बॉक्स ऑफिस पर फेल हो चुकी हैं। वेल बता दें कि संडे के दिन रनवे 34, जिसे अजय देवगन ने ही डायरेक्ट किया है, उन्होंने कलेक्ट किए 13 करोड़ बॉक्स ऑफिस पर। वहीं टाइगर श्रॉफ की फिल्म हीरोपंती 2 स्लाइटली बेटर कर रही है। नेट कलेक्शंस की बात करें तो ओवर द वीकेंड इस फिल्म ने 15 करोड़ कलेक्ट किए, लेकिन ये दोनों ही फिल्में जो हैं बैकफायर हो चुकी हैं फिल्म KGF चैप्टर 2 के सामने। ये फिल्म जो है एक ब्लॉकबस्टर बताई जा रही है बॉक्स ऑफिस पर, और KGF के हिंदी वर्जन ने अर्न कर लिए हैं अराउंड 20 करोड़। बॉलीवुड एक्ट्रेस और मॉडल उर्वशी रौतेला अपने सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नज़र आती हैं। सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर उर्वशी रौतेला के 49 मिलियन फॉलोअर्स हैं। रिसेंटली उन्होंने कुछ फ़ोटोशूट के पिक्चर्स अपने सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए अपने फैंस और फॉलोअर्स को ईद विश किया। इन तस्वीरों में हम देख सकते हैं कि उर्वशी रौतेला ने एक ब्लैक कलर का स्लिट ड्रेस पहना है जो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। ये बैकलेस ड्रेस है जिसमें उर्वशी रौतेला हमेशा की तरह स्टनिंग नज़र आ रही हैं। उन्होंने इस लुक को कंप्लीट किया एक मैसी पोनी टेल के साथ, और इन तस्वीरों को उन्होंने कैप्शन किया चांद मुबारक ईद मुबारक, होप यू ऑल हैव अ ब्यूटीफुल डे सराउंडेड बाय योर लव्ड वंस। बॉलीवुड एक्ट्रेस नुसरत भरूचा हमें अपकमिंग फिल्म जनहित में जारी में नज़र आने वाली हैं। रिसेंटली नुसरत भरूचा ने अपने इंस्टाग्राम पर इस फिल्म के पोस्टर शेयर किए, और पोस्टर शेयर करने के साथ साथ ये बताया कि ये फिल्म सिनेमाघरों में 10 जून को रिलीज़ होने जा रहा है, 10 जून 2022। वेल इसके साथ साथ रिसेंटली नुसरत भरूचा ने एक मोशन वीडियो भी शेयर किया है, मोशन पोस्टर भी शेयर किया है, जिसमें हम नुसरत को देख सकते हैं। वो अलग अलग आउटफिट्स पहनी हुई है और बैकग्राउंड में जो ट्रैक चल रहा है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल चल रहा है, वुमन को लेकर ये ट्रैक है। और इससे हमें पता चल रहा है कि ये मूवी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज के लिए इतना ही। बॉलीवुड के लेटेस्ट न्यूज और हॉट गॉसिप के लिए सब्सक्राइब करें मायापुरी कार्ट।